ज्ञान पिपासु लोगो जिज्ञासु लोगो एंड क्यूरियस पीपल, स्वागत है आपका प्रोसेस फूड में। मैं हूँ राधा और ये है मेरा भाई कुलवंत। हेलो गाइस, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल क्वेश्चन में सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और नीचे बना घंटा बजाकर अपने ज्ञान के शुभ मुहूर्त की शुरुआत कीजिए। लेट्स दिमाग की बत्ती ऑन। जैसे कि आप तो जानते हैं, दुनिया रहस्यमय जगह से भरी हुई है, रहस्यमय घटनाएं हमेशा होती ही रहती हैं। और आज हम बात करेंगे रहस्यमय घटनाओं से जुड़े द प्रोजेक्ट ब्लू बुक के बारे में। प्रोजेक्ट ब्लू बुक यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स द्वारा कंडक्टेड अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की सिस्टमेटिक स्टडीज की एक सीरीज थी। यह प्रोजेक्ट 1952 में शुरू हुआ। द थर्ड स्टडी ऑफ इट काइंड फॉलोइंग प्रोजेक्ट साइन 1947 एंड ग्रज 1949 दिसंबर 1969 में अध्ययन के लिए एक समाप्ति आदेश दिया गया था। एंड ऑल एक्टिविटी अंडर इट्स ऑस्पाइसेस ऑफिशियली सीज्ड ऑन जनवरी 1997। प्रोजेक्ट ब्लू बुक हैड टू गोल्स, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या UFO राष्ट्र सुरक्षा के लिए खतरे थे और वैज्ञानिक रूप से UFO से रिलेटेड आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए। थाउजेंड्स ऑफ UFO रिपोर्ट्स वर कलेक्टेड एनालाइज्ड एंड फाइल्ड। कॉन्डन रिपोर्ट 1968 के परिणाम स्वरूप जो कंक्लूजन निकला कि UFO के बारे में कुछ नहीं था। एंड अ रिव्यू ऑफ द रिपोर्ट बाय द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, प्रोजेक्ट ब्लू बुक वाज टर्मिनेटेड इन दिसंबर 1969। द टाइम प्रोजेक्ट ब्लू बुक एंडेड, इट हैड कलेक्टेड 12,618 रिपोर्ट एंड कंक्लूडेड दैट मोस्ट ऑफ देम वर मिस आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेचुरल फिनोमेनन और कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट। सार्वजनिक रूप से USAF UFO स्टडीज पहली बार 1947 के अंत में प्रोजेक्ट साइन के अंडर शुरू किया गया था। फॉलोइंग मेनी वाइडली पब्लिसाइज्ड UFO रिपोर्ट्स बाय केनेथ अल्बर्ट अर्नोल्ड, व्हाइट पैटरसन एयरफोर्स बेस में वायुसेना मटेरियल कमांड के प्रमुख जनरल नेथन ट्वेनिंग के अनुरोध पर विशेष रूप से प्रोजेक्ट साइन शुरू किया गया था। राइट पैटरसन वाज आल्सो टू बी द होम ऑफ प्रोजेक्ट साइन एंड ऑल सबसिक्वेंट ऑफिशियल USAF पब्लिक इन्वेस्टिगेटर्स। साइन वाज ऑफिशियली इनकंक्लूसिव रिगार्डिंग द कॉज ऑफ द साइटिंग। However, US Air Force के कैप्टन एडवर्ड जे रोपलेट, द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ प्रोजेक्ट ब्लू बुक के अनुसार, साइन का प्रारंभिक खुफिया अनुमान, यू नो द सो कॉल्ड एस्टिमेट ऑफ सिचुएशन, 1948 की देर से गर्मियों में लिखा गया था, कंक्लूडेड दैट द फ्लाइंग सॉसर्स वर रियल क्राफ्ट, जो कि सोवियत यूनियन और US द्वारा नहीं बनाए गए थे एंड वर लाइकली एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इन ओरिजिन। इस अनुमान को पेंटागन भेज दिया गया, लेकिन बाद में USAF चीफ व्हाइट वेंडेबर्ग ने लैक ऑफ फिजिकल प्रूफ की वजह से इसे रिजेक्ट कर दिया गया और वेंडेनबर्ग ने प्रोजेक्ट साइन को हटा दिया। प्रोजेक्ट ग्रज द्वारा 1948 के अंत में प्रोजेक्ट साइन को सफल किया गया, जिसकी क्रिटिसिज्म एक डिबंकिंग मैंडेट के रूप में की गई थी। रूपर्ट रेफर्ड टू द एरा ऑफ प्रोजेक्ट ग्रज एज द डार्क एजेस ऑफ अर्ली USAF UFO इन्वेस्टिगेशन। ग्रज ने निष्कर्ष निकाला कि सभी UFO नेचुरल फिनोमेनन थे या अदर मिस इंटरसेप्शन थी। हालांकि यह भी कहा गया कि 23% रिपोर्ट को अभी समझाया नहीं जा सकता है। 1951 के एंड तक कैप्टन एडवर्ड जे रेपेल्ट के अनुसार, हाई रैंकिंग वाले और बहुत प्रभावशाली USAF जनरल एयरफोर्स की UFO इन्वेस्टिगेशन से काफी डिससैटिस्फाइड थे, इसलिए उन्होंने मार्च 1952 में प्रोजेक्ट ग्रज को डिसमेंटल कर दिया था और रिप्लेस इट विद प्रोजेक्ट ब्लू बुक। वन ऑफ दीज मैन वाज जनरल चार्ल्स पी केबल। अनदर इम्पोर्टेंट चेंज केम व्हेन जनरल विलियम्स गारलैंड जॉइंड केबल स्टाफ। गारलैंड ने सोचा कि UFO काफी सीरियस मैटर और डिजर्व्ड सीरियस स्क्रूटनी, क्योंकि उन्होंने UFO को देखा था। द न्यू नेम प्रोजेक्ट ब्लू बुक वाज सिलेक्टेड टू रेफर टू द ब्लू बुक बुकलेट्स यूज्ड फॉर टेस्टिंग एंड सम कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज द नेम वाज इंस्पायर्ड। रुपेल्ट ने कहा इस बात पर कि हाई रैंकिंग ऑफिसर न्यू प्रोजेक्ट पर इतनी क्लोज अटेंशन दे रहे थे कि ऐसा महसूस हुआ कि UFO की स्टडीज कॉलेज के फाइनल एग्जाम जितनी इम्पोर्टेंट थी। ब्लू बुक को एरियल फिनोमिना ब्रांच की क्रिएशन के साथ प्रोजेक्ट ग्रज से स्टेटस में भी अपग्रेड किया गया था। एडवर्ड जे रेपेल्ट, उन्होंने आधिकारिक तौर पर UFO शब्द का इस्तेमाल किया था, जो पहले इस्तेमाल की गई कई टर्म्स फ्लाइंग सॉसर और फ्लाइंग डिस्क बदलने के लिए था। रेपेल्ट थॉट दैट UFO वाज अ मोर नेचुरल एंड एक्यूरेट टर्म। रेपेल्ट कुछ वर्षों बाद एयरफोर्स से रिजाइन कर दिए और अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स पर बुक लिखी, जिसमें 1947 से 1955 तक यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स द्वारा UFO के अध्ययन का वर्णन किया। अमेरिकन साइंटिस्ट डी
स्वार्ड ने लिखा है कि रैपल्ड यूएफओ को एनालाइज करने का लास्ट जेन्युइन एफर्ट लीड करेंगे। रूपर्ट ने कई बदलावों को लागू किया। उन्होंने यूएफओ के विटनेस के साथ जुड़े कलंक और मजाक को कम करने की उम्मीद में मिलिट्री ऑफिशियल को अधूरे रूप से यूएफओ को रिपोर्ट करने के तरीकों को सामान्य किया। रूपर्ट ऑल्सो ऑर्डर्ड द डेवलपमेंट ऑफ अ स्टैंडर्ड क्वेश्चनेयर फॉर यूएफओ विटनेस होपिंग टू अनकवर डाटा व्हिच कुड बी सब्जेक्ट टू स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। उन्होंने क्वेश्चनेयर बनाने और डाटा को कंप्यूटराइज्ड करने के लिए बैटल मेमोरियल इंस्टीट्यूट का निर्माण किया। केस रिपोर्ट्स और कंप्यूटराइज्ड डाटा का उपयोग करते हुए बैटल ने तब 1954 में पूरे हुए प्रोजेक्ट ब्लू बुक स्पेशल रिपोर्ट नंबर 14 के रूप से ज्ञात सभी एयरफोर्स के यूएफओ केसेस का एक विशाल साइंटिफिक और स्टैटिस्टिकल स्टडी किया। एस्ट्रोनॉम डॉक्टर जे एलन हाइनेक प्रोजेक्ट के साइंटिफिक कंसल्टेंट थे क्योंकि वे प्रोजेक्ट साइन और ग्रज के साथ थे। उन्होंने अपनी समाप्ति तक प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया और शुरू में कैटेगराइजेशन का निर्माण किया जिसे बढ़ाया गया और आज इसे क्लोज एनकाउंटर के रूप में जाना जाता है। He was pronounced skeptic when he started, but research के दौरान उनकी फीलिंग संदेह में बदल गई। UFO की माइनॉरिटी रिपोर्ट के बाद का सामना करने के बाद उन्होंने सोचा कि वह अस्पष्ट है। रूपर्ट लेफ्ट ब्लू बुक इन फरवरी 1953 फॉर अ टेम्पररी असाइनमेंट। वह कुछ महीनों बाद लौट आए टू फाइंड हिज स्टाफ रिड्यूस्ड फ्रॉम मोर देन टू 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 सबऑर्डिनेट्स। फ्रस्ट्रेटेड रूपर्ट ने सुझाव दिया कि एक एयर डिफेंस कमांड यूनिट को UFO की जांच के साथ चार्ज किया जाना चाहिए। इस रियल लाइफ प्रोजेक्ट पर एक ड्रामा अमेरिकन हिस्टोरिकल टेलीविजन सीरीज भी बनी है जिसका नाम प्रोजेक्ट ब्लू बुक है, जिसका प्रीमियर 8 जनवरी 2019 को हुआ और फर्स्ट सीजन में 10 एपिसोड थे। ऑन फरवरी 10, 2019 में 10 एपिसोड्स के दूसरे सीजन के लिए सीरीज को रिन्यूड किया था जिसका प्रीमियर 21 जनवरी 2020 में हुआ था। इन मई 2020 इट वाज अनाउंस्ड दैट द सीरीज हैज बीन कैंसिल्ड बट देयर इज नो रीजन ऑफ इट। आज हमने बात किया द प्रोजेक्ट ब्लू बुक के बारे में और जैसे कि आप तो जानते हैं चैनल का नाम है क्वेश्चन मी, सो यू कैन क्वेश्चन अस एनी टाइम। आपकी क्यूरियोसिटी को दूर करने के लिए ही तो आए हैं हम। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए और हमारा साथ दीजिए।